Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, friend. This is Muhammad Umair Khan and welcome to the Ocean of Knowledge YouTube channel. Dosto, aaj ki is video mein main aap logon ko bataunga aur aap logon ko sikhaunga ki kis tarah aap log apna ek Android app bana sakte ho. Ji haan, agar aap log jana chahte ho aur aap logon ko iske bare mein pata nahi hai to aap log is video ko last tak dekhte rahein. तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं ये जो मेथड है ना ये आप लोग विदाउट कोडिंग के अपना एक गेम्स बना सकते हो और बहुत इजी मेथड के साथ तो जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को बहुत इजी लगेगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल मोहम्मद ओशन ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो के नीचे इस तरह सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी. इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ऐप बनाया है कि किस तरह आप लोग अपना एक फ्लैश लाइट बना सकते हो. तो अगर आप लोग वो भी जाना चाहते हो कि किस तरह हम एक अपना फ्लैश लाइट बनाए तो आप लोग वो वीडियो भी यहाँ देख सकते हैं. वीडियो में आकर यहाँ पे है हाउ टू मेक फ्लैशलाइट एप्स एंटिकेबल उर्दू. ओके, तो ये वीडियो भी आप लोग आसानी के साथ वॉच कर सकते हैं और अपना एक फ्लैशलाइट बना सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गेम्स दिखाऊं कि मैंने ये गेम बनाया है. तो ओके, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा, थोड़ा वेट करना है. मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इस तरह इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए. तो ये वर्ल्ड फाइंडर मैंने गेम बनाया है. अगर आप लोग भी इस तरह गेम बनाना चाहते हो तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं. पहले मैंने अपना पिक्चर लगाया है यहाँ पे. इस तरह यहाँ पे ये गेम है वर्ल्ड फाइंडर और यहाँ पे प्ले 11-1. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरह आप लोग एक गेम बना सकते हो और यहाँ पे वर्ड्स पुट करके अपने मर्जी के मुताबिक इस तरह एक गेम डिज़ाइन कर सकते हो. ओके, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे. आप विदाउट कोडिंग की इस तरह गेम बना सकते हो और प्ले स्टोर पे अपलोड करके अपने लिए पैसे कमा सकते हो. तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों को लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आप लोगों ने जस्ट गूगल में टाइप कर देना है क्विक एप्स निंजा. ये नाम बहुत बेड नाम है बट आप लोगों ने ये नाम टाइप कर देना है और यहाँ से क्विक एप्स निंजा क्रिएट एंड्रॉइड गेम विदाउट एनी कोडिंग. तो यहाँ पे आप लोग विदाउट कोडिंग के अपने लिए गेम्स बना सकते हो. तो आप लोगों ने पहले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और इसे ओपन कर देना है. तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट समझ आ जाएगा. तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने लिए एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्टर कर देना है और फिर लॉगिन कर देना है. तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है लेकिन अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोगों यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करके अपने लिए अकाउंट बनानी है. अगर आप लोगों के पास गूगल है ना, मतलब ये जीमेल का अकाउंट है, तो या आप लोग यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ से गूगल फ्लेस पर डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं. तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है. और अगर आप लोगों ने नहीं बनाई तो प्लीज़ आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करके अपने लिए एक अकाउंट बनाए. तो सॉरी, आप लोगों का इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. मेरा जो स्पीड है बहुत बेड है लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट गेम सिखा रहा हूँ. तो आप लोगों ने क्रिएट न्यू गेम इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम न्यू गेम को क्रिएट करते हैं. इस तरह ये इंटरफेस है. अगर आप फ्रूट वाली गेम बनाना चाहते हो तो आप लोग इस पर क्लिक करें. अगर गीज द पिक्चर फिक्चर वाली बनाना चाहते हो इस पर, इस तरह ये है, ये शॉर्ट स्टोरी है. इस तरह फन वर्ड्स, मैं वर्ड्स के लिए बनाऊँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा. ओके, उसके बाद यहाँ पे ये टिक मार्क हो गया. उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम अपने लिए एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे ना. तो जस्ट यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर गेम्स इन 5 मिनट्स. ये 5 मिनट्स उन्होंने दिए हैं लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने डिफिकल्ट गेम बनाना है, ऐसी वैसी गेम नहीं बनानी है. ओके, विदाउट कोडिंग के यहाँ पे तैयार बटन है, आप लोग इसको यूज़ करके अपने लिए अच्छी से अच्छी गेम्स बना सकते हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को ये डिज़ाइन, कंटेंट्स, साउंड, आइकन, सेटिंग, मोनेटाइजेशन, ये आप लोगों को सब कैसे मिल जाएंगे.
तो आप लोगों ने सबसे पहले डिज़ाइन में स्प्लेच पे क्लिक कर देना है। तो ये मेन स्क्रीन होगा, यहाँ पे ये पाइन वर्ल्ड ये लिखा होगा, आप लोग इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग अपना लिए एक पिक्चर लगा सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करूँ, तो आप लोगों ने कलर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना लिए कलर सेलेक्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अच्छा सा कलर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये अच्छा है। उसके बाद आप लोगों ने, मैंने इस कलर, ये हम लोग नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इस वेबसाइट ने ये खुद लोगो बनाई है, और ये हम लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड में पिक्चर लगाए ना, तो आप लोगों ने पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कोई पिक्चर नहीं लगा देना है, इस वजह से मैं इसे इस तरह रखूँगा। उसके बाद मैंने ये पहला काम किया स्प्लेच, उसके बाद मेन्यू पे आना है। मेन्यू में इस तरह ये आप लोगों के पास ये स्क्रीन होगा, यहाँ पे अबाउट का आप लोगों ने कुछ चेंज नहीं कर देना है। यहाँ पे इसका कलर अगर आप लोग चाहें ना, तो आप लोग अबाउट के कलर को यहाँ पे, ये लिखा है अबाउट का कलर, आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साउंड का या साउंड ऑन का कलर है, ये भी चेंज कर सकते हैं। साउंड ऑफ, इस तरह इस सब को आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे चेंज ना करें क्योंकि ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, इस वजह से कोई चेंजेस ना करें। उसके बाद आप लोगों ने गेम प्ले पे क्लिक कर देना है। ओके, तो गेम प्ले पे यहाँ पे जो कलर उन्होंने दिए ना, वो भी अच्छी है। आप लोगों ने कोई कलर अगर आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रखना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर और सर्कल, इसके लिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा क्योंकि ये अच्छी कलर है। उसके बाद रेट अस, तो अगर आप लोगों की जो रेट देना आई लाइक इट हो, और मतलब मुझे ये गेम पसंद आया, अगर आप लोगों ने कभी देखा है ना प्ले स्टोर से जब हम गेम को डाउनलोड करते हैं और वो यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को इस तरह ये मैसेज आता है कि अगर आप लोग गेम को लाइक करते हैं तो लाइक करिए, अगर हेट करते हैं तो हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं हेट का कलर थोड़ा चेंज करूँगा, यहाँ पे हेट लिखा हुआ है, ये हेट इसका जो कलर है ये वो है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह ये रेड कर देना है, ताकि रेड पे हर कोई तो क्लिक नहीं करे, और इस पर हर कोई क्लिक करे तो इसका रंग भी आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका रंग जो कलर है, मैं इसे इस तरह रखूँ। उसके बाद ये लेटर है, इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर इस तरह, ये अच्छी होगी। ओके, उसके बाद अलर्ट्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो ये जब गलत कोई दबाए ना, तो वो ओके इस तरह अलर्ट्स आ जाए, तो भी अच्छी है। अगर आप लोग चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। वेल डन, उस तरह अगर आप लोग यहाँ पे हैंड्स देना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग हैंड्स के लिए ये कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर को फेक करूँगा और अच्छा सा कलर दूँगा। इसके बाद वन हैंड्स, इस तरह इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो कोई चेंज अगर ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी है, कोई बात नहीं। हैंड्स, इस तरह हैंड्स पे अगर आप लोग क्लिक करें ना, कि कोई फेसबुक पे शेयर करें ना, ट्विटर पे, सॉरी ट्विटर पे जो शेयर करें उसको पोर हैंड्स मिलनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ से, यहाँ पे कोई हैंड्स का ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आप लोग यहाँ से हैंड्स का कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह ये बाय हैंड्स ये सब चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, उसके बाद लेवल पे अगर आप लोग क्लिक करें ना, तो यहाँ पे वो लेवल आप लोग पुट कर सकते हैं, और आप लोग इस हर लेवल के लिए कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये अच्छी है, कोई चेंजेस ना करें, मेरा मानी आप कोई चेंजेस ना करें इसमें। उसके बाद अबाउट पे क्लिक कर देना है, अबाउट में ये उनका खुद अबाउट है, उसमें आप लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, और एग्जैक्ट इस पर अगर आप लोग चाहें तो इसका कोई चेंजेस कर सकते हैं। एग्जैक्ट पर अगर कोई चेंज करें तो ये इसका कलर आप लोग रेड कर सकते हैं, इस तरह ये अच्छी है। इसके बाद ये जो हमने डिज़ाइन व्यू देखा, ये सब डिज़ाइन में आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कंटेंट्स पे क्लिक कर देना है, ये वो कंटेंट्स है ना, कि जब कोई यहाँ पे वो यहाँ पे जो दबाए ना, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर देने हैं। तो वो ये है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, वेट, थोड़ा वेट करिए, स्क्रीन पे आप लोगों को देख सकते हैं ये इस तरह हम किस तरह ये डिज़ाइन कर सकते हैं ना। इसके लिए कोडिंग मतलब इसके लिए यहाँ पे एक अच्छी सी अच्छी डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं। तो ओके, तो ये मैं आप लोगों को बताऊं इस तरह। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे
पहला है इस तरह एड लेवल, टू लेवल आप लोग चाहे थ्री लेवल, जिस तरह आप लोग चाहे इतना लेवल आप लोग पुट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट लेवल पे क्लिक करूँगा और इसके लिए 3x3, क्योंकि फर्स्ट लेवल आप लोगों ने इजी रख देना है ताकि हर कोई इसे यूज़ करे। और इसके बाद मैं इसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करूँगा। ओके, तो मैं 3x3 पे क्लिक करूँगा और इसके लिए यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। तो आप लोगों ने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक वर्ड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए, उसके बाद फी एल ई। ओके, तो आप लोगों ने जस्ट इस तरह ये लिख देना है। और ये जो खाने ना, आप लोगों ने यहाँ पे कोई और गलत वर्ड देनी है ताकि कोई गेस ना करे, कोई इसे यूज़ ना करे। और आप लोगों ने जस्ट इसके लिए ये पहला तैयार कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने ये वर्ड खुद डिफाइन कर देना है। तो आप लोगों ने डिफाइन वर्ड पे यूज़ क्लिक करके इसे एक बार इस तरह अप्लाई कर देना है ताकि कोई भी इस तरह अप्लाई करे तो ये काम करे। ओके, तो ये मैंने डिफाइन किया, तो ये पहला वाला हो गया। अगर आप लोग चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं उस तरह। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे पे क्लिक कर देना है और इसके लिए यहाँ पे 3x3 या 4, यहाँ पे मैं 4 को यूज़ करूँगा। 3x3 मतलब इस तरह ये होगा 3x3। ओके, इस तरह ये 4x4 थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह इसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करूँगा BOY। ओके, इस तरह ये लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टार फुट करूँगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई गलत अल्फाज पुट कर देनी है। ओके, कार तो नहीं है, कैट ये भी नहीं है। ओके, तो इस तरह ये आप लोग गलत अल्फाज पुट करें। उसके अलावा या फिर आप लोग चाहे तो कोई भी चीज़ आप लोग पुट कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी आप लोग बना सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा। तो यहाँ पे वार लिखूंगा, मतलब जंग। इस तरह आप लोग खुद अल्फाज बना सकते हैं और अपनी गेम को अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो अल्फाज को, दो वर्ड्स को डिफाइन करूंगा, एक होगा बुआई और एक होगा वार। ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने डिफाइन वर्ड पर क्लिक कर देना, क्योंकि एक दफ़ा हमने इसे डिफाइन कर देना है। तो बुआई को मैं डिफाइन करता हूँ, उसके अलावा वार को डिफाइन करता हूँ। ओके, तो ये दो हमने डिफाइन की, तो यहाँ पे ये ऐड हो गई। उसके बाद आप लोगों ने लेवल 3 को डिफाइन कर देना है, क्योंकि गेम जब हम खेलेंगे ना तो वहाँ पे 3 हर लेवल पे एक एक हमें ऑप्शन होगा और वहाँ से हम खुद डिज़ाइन करेंगे इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे 5x5 मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके लिए मैं डिज़ाइन करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा W। आप लोग चाहे जिस तरह लिखना चाहे उस तरह लिख सकते हैं, WINDOW। ओके, विंडो मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहे तो गलत अल्फाज लिख करके इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 कोई भी लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अच्छा से यहाँ पे मैं लिखूंगा B, तरह ये ए, सही था, ये ठीक हो गई ना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा BOO। ओके, और यहाँ पे मैं खे करूँगा बुक। तो मैंने एक ये डिफाइन किया, ये एक डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग यहाँ पे गलत लिखिए ताकि कोई इसे यूज़ ना करे। तो मैंने ये दो डिफाइन कर देना है, तो डिफाइन वर्ड पे क्लिक करके इसे एक दफ़ा डिफाइन कर देना है। ओके, मैंने गलत किया, सॉरी। इस तरह ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है और इस तरह मैं दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ पे वेट, आप लोगों ने यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। ओके, उसके बाद आप लोगों ने, मैं विंडो को डिफाइन करूँगा, तो इस तरह ये विंडो को इस तरह क्लिक करूँगा, तमाम विंडो यहाँ पे आएगा। उसके बाद मैंने बुक को भी डिफाइन कर देना है, BOO। सॉरी, ये क्या हो गया, ये मैंने गलत लिखा है, BOOK। यहाँ पे मैं BOOK। ओके ठीक है,
तो आप लोगों ने इस तरह ये कर देना है। तो यहाँ पे एक बुक भी आ गया, तो मैंने यहाँ पे दो डिफाइन किया। उसके बाद अगर आप लोग चाहे तो और लेवल को भी पुट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे तीन आप लोगों को दिखाने के लिए पुट किया, और आप लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट गेम को बना सकते हैं यहाँ। उसके बाद ये हो गया कंटेंट्स। उसके बाद साउंड, साउंड पे आते हैं ना, तो ये पे बाय डिफॉल्ट साउंड है कि गेम लंच हो जाए तो ये साउंड प्ले होना चाहिए, ये ओके। यहाँ पे आप लोगों को साउंड मतलब नहीं आएगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये साउंड खुद सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप लोग इसे अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे अपना साउंड, और ये जो उन्होंने ऑलरेडी लगाई है ये बहुत अच्छी है, आप लोग इसे यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने आइकन लगा देना है, तो आइकन अगर आप लोग चाहें ना तो आप अपने कंप्यूटर से अपलोड यूर ऑन पे क्लिक करके कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहें ना तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसे यूज़ करूँ, वरना आप लोग खुद भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे यूज़ करूँगा। तो आप लोगों ने यूज़ दिस आइकन पे क्लिक कर देना है, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगी, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद ये हो गया, अब सेटिंग की बात आती है। तो आप लोगों ने सेटिंग में यहाँ पे सबसे पहले गेम का नाम लिख देना है, क्योंकि हमने ये गेम किस चीज के लिए बनाई है, वर्ड्स मतलब अल्फाज, WRDS वर्ड्स फाइंडर मतलब अल्फाज को फाइंड करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल, यहाँ पे आप लोगों ने वो ईमेल रख देनी है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस गेम को प्ले स्टोर पर अपलोड करें ना, तो आप लोगों के साथ कोई कॉन्टेक्ट करे तो वो आप लोगों ने यहाँ पे वो अपना ओरिजिनल ईमेल लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना जो ईमेल है ना वो लिखूंगा, और आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल लिख सकते हैं। उसके बाद मोनेटाइजेशन, यहाँ पे आप लोगों ने मोनेटाइज सबसे पहले मोनेटाइज जो आप लोगों के एडमोब का अकाउंट है ना वहाँ पे आप लोगों के सामने एड्स होगा, वो एड्स आप लोगों ने यहाँ पे लाकर रख देने हैं। एडमोब आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप लोग, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह एडमोब, कि आप लोग एडमोब से किस तरह एड्स को जनरेट कर सकते हैं और इसे अपने अकाउंट पे सॉरी अपने एड्स में यूज़ करके पैसे इससे कमा सकते हैं। तो मैंने एडमोब का अकाउंट ओपन किया, यहाँ से मैं ये मैंने ऑलरेडी बहुत एड्स बनाई है, और मैंने यहाँ पे एड क्लिक की है और एड की है, तो आप लोग भी कर सकते हैं ओके। तो मैं इस तरह ये एक एड्स को कॉपी करके इस तरह इसमें ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे कह रहे बैनर एड्स यूनिट आईडी, यहाँ पे बैनर एड यूनिट आईडी ऐड करें। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैनर आईडी बैनर बनाई है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे ऐड करूँगा। जब मैं इसे ऐड करूँ ना तो डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगा ओके। आप लोग देख सकते हैं इस तरह, ये और भी ऑप्शन है, अगर आप लोग गूगल प्ले पे अपलोड करना चाहे तो आप लोग इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए किया। उसके बाद ये आप लोगों का जो फाइनल गेम है ना वो तैयार हो चुकी है, तो आप लोगों ने जस्ट जनरेट गेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये 24 आवर कह रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को जस्ट 10-15 मिनट में ये आप लोगों का गेम तैयार कर देगा और लोगों को देगा, तो आप लोगों ने जस्ट सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा वेट कर देना है ताकि ये सेंड हो जाए और ये आप लोगों के लिए गेम जनरेट करे, थोड़ा वेट कर देना है, ज़्यादा नहीं है, कोई 10 नहीं लेगा, ये 24 घंटे नहीं मांग रही, लेकिन ये अपने आप को सिक्योर अपने आप को सेव करने के लिए 24 घंटे देते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लेते ओके। थोड़ा वेट कर देना है, ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया मेरा जो इंटरनेट स्पीड है ना वो अच्छी नहीं है, और सॉरी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल दिया, आप खुद सबसे अच्छा गेम बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना प्लीज़ तो इसे लाइक करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो किस तरह लगी। और यहाँ पे मैंने सेंड किया, थोड़ा इसे स्किप करूँगा क्योंकि आप लोगों का टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा, और आप लोगों ने जस्ट 2-3 मिनट ये वेट कर देना है ताकि ये सेंड हो जाए ओके। तो ओके फाइनली मेरा गेम डाउनलोड हो चुका है, और इस तरह आप लोगों ने जस्ट डाउनलोड में आना है। अगर आप लोगों का जो गेम है ना अगर वहाँ पे
हुई यहाँ पे। अगर आप लोगों का गेम डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोगों ने जस्ट वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और गेम को डाउनलोड कर देना है। मेरा तो डायरेक्ट डाउनलोड हो गया। उसके बाद ये जो गेम है ना, मैंने ये डाउनलोड किया और आप लोगों को अब मैं जस्ट दिखाता हूँ कि किस तरह है ये गेम्स, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करिए। ओके, तो ये आप लोगों को फाइनल मेरा जो गेम है ना तो वो दिखाई देगा इस तरह। ये 3 लेवल तक हैं, तो मैं इसे ओपन करूंगा और जस्ट इसे पहले पे क्लिक करूंगा और इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने गेम तैयार किया। तो इस तरह आप लोग भी अपना एक गेम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई ही, और अगर आपको पसंद आई है ना तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।